हाय एवरीबॉडी, इस क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आईटी की कुछ एप्लीकेशंस। ये हमारा नाइन्थ क्लास का आईटी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट है, आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर दो पार्ट हमारे बन चुके हैं। तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आईटी की सारी एप्लीकेशंस। इसमें आपको पता लगेगा कि आपके कौन कौन से जॉब कैरियर्स आईटी के अंदर बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आईटी जो है इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपना आईटी का ये चैप्टर। नेक्स्ट आता है हमारा आईटी एप्लीकेशन, मेन टॉपिक है आईटी एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो इसके अंदर वही बता रखा है कि आईटी हमारा जो है डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। यूजर के लिए कंप्यूटर जो है सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करा देता है। तो जो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो हमारे घर में, वर्क प्लेस पे, मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्री में, सारी जगह पे हमारी लाइफ में आ चुका है। इसके अंदर लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स, डूइंग ऑफिस वर्क, चैटिंग, सेंड मैसेजेस, सब कुछ हमारा इसी से होता है, कंप्यूटर से या मोबाइल से। मैनेजिंग डेली प्लानर, रीडिंग बुक, पेइंग यूटिलिटी बिल, बुकिंग टिकट टू ट्रैवल, बुकिंग ऑपरेशनल, बैंक ऑपरेशंस। कंप्यूटर नेसेसिटी इज यूज इन इंडस्ट्री, इन ऑफिस एंड इन हाउस, द वेरियस एप्लीकेशन एरिया, बिजनेस में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट। अब आपने सुन लिया होगा बहुत सारे इसमें फील्ड है, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है कि आप किसी भी एक फील्ड को आप चूज करके और उसमें आगे ग्रो कर सकते हो। ये कुछ इमेजेस हैं जहाँ जहाँ पर आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईटी इन होम कंप्यूटिंग। होम कंप्यूटिंग में आईटी का क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। अ पर्सनल कंप्यूटर पीसी इज यूज्ड टू वर्क एट होम। जैसे मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, इस पे मैं काम करता हूँ। टू डू हाउसहोल्ड अकाउंट्स, प्ले गेम्स, सर्व द वेब, इंटरनेट चलाना, गेम खेलना, यूज ऑफ ईमेल यूज कर सकता है, क्रिएट म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, pursue a range of other hobbies. The PC is also used to play games. ज़्यादातर लोग बाग गेम खेलते हैं PC पे, आजकल बड़ी बड़ी गेम चल रही हैं। It includes actions games, role playing games, puzzle and many more. A PC with a CD-ROM drive, sound card and speaker can play audio CD. एक PC जिसमें CD-ROM लगा हो, साउंड कार्ड हो, ऑडियो सिस्टम हो, तो वो एक CD को प्ले कर सकता है। आजकल CD-ROM खत्म हो गए, पेन ड्राइव आ गया है। A computer can be used from home to study के लिए यूज कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स हम कर सकते हैं। आजकल जूम मीटिंग वगैरह भी कंप्यूटर पर हो जाती है घर में बैठ के। अभी जो हमारा ये टाइम गया है कोविड में, सारे काम हमारे घर से ही हुए हैं। तो कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेज आर नाउ यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स। ये आपको अच्छे से पता होगा, ऑनलाइन शॉपिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। मोबाइल भी हमारा एक मिनी कंप्यूटर ही है। मोबाइल के अंदर इससे ज़्यादा काम मोबाइल में हो जाते हैं, मतलब कंप्यूटर में जितने ऑप्शंस हैं उससे ज़्यादा हम मोबाइल में कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसी में कर पाते हैं, टाइपिंग हो गया, कुछ बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो इसी में कर पाते हैं। नेक्स्ट है आईटी इन एवरीडे लाइफ। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वॉशिंग मशीन, हम यूज़ करते हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक चल गया। माइक्रोवेव ओवन हम यूज़ करते हैं, उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और वो चलता है। एंड मैनी अदर प्रोडक्ट यूजिंग विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जिनमें छोटा सॉफ्टवेयर डाला होता है, वी कैन स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द आवर इम्पोर्टेंट वर्क, अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इन आवर कंप्यूटर। कंप्यूटर इज देयर फॉर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, एंड नाउ वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स। बिना कंप्यूटर के हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आईटी इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अंदर भी आईटी का इस्तेमाल होता है। नाउ डेज मैनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज्ड। अब कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी होगी, जैसे आपने फोटो देख रहे हो साथ में, बुक्स भी हैं लेकिन कंप्यूटर रखे हुए हैं, लोग बाग उस पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ईच बुक हैज अ बार कोड एसोसिएटेड विद इट। हर एक बुक के साथ बार कोड आता है, उसको स्कैन करा, उसका सॉफ्ट कॉपी आप कंप्यूटर पर खोल लेते हो। दिस मेक्स इट इजियर फॉर लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बुक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू इशू द एंड रिटर्न द बुक। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का,
उसमें आप जैसे बुक लेते हो तो आपका वो एंट्री कर लेते हैं भाई इस डेट को इस टाइम पे इन्होंने बुक ली है, और वो एक मैनेजमेंट रहता है ना लाइब्रेरी में, बुक इशू कराना, बुक रिटर्न करना, ये सब चीजें आप मैनेज कर सकते हो। बारकोड अपने एक्टिवेट कर लिया, जब तक आप बुक पढ़ रहे हो तो पता रहता है कि ये बुक इनके पास है, और उसके बाद डीएक्टिवेट कर दो अपने कोड। अब आता है आईटी एट वर्क प्लेस। इन द ऑफिस एनवायरमेंट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर इफेक्टिवली। तो वर्क प्लेस पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हमारे काम बहुत ही इफेक्टिवली कंप्लीट होते हैं। इन असेंबली लाइन इंडस्ट्री वेयर अटेंशन टू डिटेल, स्पीड, एफिशिएंसी आर मोर इम्पोर्टेंट, ऑटोमेशन इज बिकम मोर एंड मोर कॉमन, इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशन फॉर्म द बेसिक। अब आप सोच रहे हो सर पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन लाइन बोले जा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बेटा इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब वो ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए, तो ये सिंपल सिंपल सी लाइन है, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है आईटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में आपको पता है क्लासेस में चलता है। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट में काम आता है बहुत सारे आजकल ट्रिक। आगे देखिए क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर सब लोग अपने टेबल्स पे लैपटॉप लेकर बैठे हैं और वहाँ टीचर जो है स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो ये सब इसके अंदर लिखा है कि द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन के द्वारा लर्निंग कर सकते हैं। द लर्निंग बिकम ईजी एक्सेसिबल थ्रू आईटी। लर्निंग थोड़ा सा आसान हो गई है क्योंकि एनिमेशन के थ्रू हम बहुत आसानी से और बहुत थोड़ा सा उस पर हमारा इंटरेस्ट बनता है सीखने में। और ऑनलाइन असेसमेंट होता है प्रोजेक्टर पे, आईसीटी क्लासरूम के अंदर, ये सारे देखिए। ई लर्निंग क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, वीडियो ऑन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस देखना, क्रिएटिंग ऑफ इमेज एंड वीडियो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मैगजीन, लेटर्स, डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल गेम्स, लर्निंग यूजिंग ऑफ सीडीरोम मीडिया गैदरिंग। तो ये सब हो गया। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन एक्सेस एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। कहीं भी अगर उसके पास मोबाइल है और उसको पढ़ना चाहता है तो वो एनसीईआरटी की किताब खोल सकता है कहीं से भी। आपको पता है एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करो। अब जैसे इन्होंने एक लिंक दिया है www.epaathshala.nic.in और मोबाइल ऐप भी बहुत सारी एनसीईआरटी की बनी हुई है। बुक डाउन ऐप डाउनलोड करो, सारी 6th to 10th 12th तक सारी एनसीईआरटी की आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी उस ऐप पे। उसके बाद आता है टीचिंग एड्स एंड मीडिया। टीचिंग के अंदर काफी आसान हो गई हमारी टीचिंग आईटी के आने के बाद। आईसीटी यूज्ड मोस्टली टीचिंग एड इन स्कूल, यूज पिक्चर्स, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। मेक द लेसन प्लान इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके लेसन प्लान अच्छा बना सकते हैं। ऑर्गेनाइज लेसन प्लान यूजिंग कंप्यूटर, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, ये सब टीचिंग एड्स हो गए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज बींग यूज बाय मैनी कंट्री टू। तो इसके अंदर लर्निंग आपकी बच्चों की जो लर्निंग है, लेसन लर्निंग एनी टाइम एनी वेयर, सब्जेक्ट क्वारी कुछ भी आपको पूछना है सोचना है गूगल खोलिए वहाँ पे पूछ लीजिए और यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देख लीजिए। तो लर्निंग जिसको करनी है लर्निंग के लिए तो बहुत ही आसान बना दिया आईआईटी ने। हमारे टाइम पे ये सब मोबाइल वगैरह नहीं थे और हम बुक्स में ही पढ़ते थे। एक एक वर्ड हमने जो है ढूंढना होता था तो हम डिक्शनरी ढूंढते थे, उसमें टाइम लगता था। अब तो बहुत आसान हो गया है, वर्ड स्पीकर में लिखना है, भी टाइप भी नहीं करना है, आपको सिर्फ माइक में बोलना है, उसका आंसर बता देता है, वो उसका मीनिंग बता देता है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है यूट्यूब पे आप खोल के वहाँ पर अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं। पूरे बहुत सारे जो हैं टीचर्स वहाँ पर समझाने के लिए अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के वो समझा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आईटी एंड एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो सभी करते हैं, टीवी से स्टार्ट हुआ था, अब कंप्यूटर मोबाइल सब कुछ, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट का यूज़ करके एंटरटेनमेंट हो रहा है। आईटी इन कम्युनिकेशन, थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं चैप्टर को।
कम्युनिकेशन इन यूज टू कन्वे मैसेजेस एंड आइडियाज पिक्चर्स, तो ये सब कम्युनिकेट करने के लिए हम आईटी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आती है हमारी कंप्यूटर ईमेल, चैटिंग, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब चीज़ों से हम कम्युनिकेशन करते हैं आईटी में। अब आईटी इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे बिजनेस आईटी ने हमें दिए हैं, जिसके हम पहले ही बात की है। इसके अंदर हमने कंप्यूटर आर यूज्ड इन बिजनेस, कंप्यूटर आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन, बजटिंग, सेल्स एनालिसिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजिंग, मेंटेनिंग स्टॉक्स। तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं कौन कौन से बिजनेसेस आप कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब्स आप आईटी के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट है आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा कि साइंस और इंजीनियरिंग में आईटी का क्या रोल है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस करने के लिए साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर एडिट डिजाइन कैड, जो एक ग्राफिक डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग कैम एप्लीकेशन आर यूज फॉर ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड सिमुलेटिंग द एंड टेस्टिंग डिजाइन। कुछ भी कार का डिजाइन बना रहे हैं, बनाना है उसको टेस्ट करना है, तो सारा आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, मतलब सब कुछ कंप्यूटर पे होता है। पूरा एक घर, एक जो आर्किटेक्चर होता है, पूरा एक घर बना लेता है पहले उसको, और उसका पूरा व्यू बना लेता है, पूरा वो घर में घूम लेता है, उसके बाद सारी चीजें देख दा के फिर वो उसको डिजाइन बना पास करते हैं। गाड़ी एक बार बना के, उसको चला के, सब कुछ चेक करके उसके बाद आगे। तो बहुत ही अच्छा साइंस और नासा से लेके मतलब जितने भी साइंटिफिक हैं सब कंप्यूटर पे सारे ग्राफ्स सब कुछ देखते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं कम टाइम में। उसके बाद आता है ये देखिए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक, कॉम्प्लेक्स ये लास्ट की लाइन है, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन एटसेट्रा आर नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है। अब आता है आईटी इन बैंकिंग, बैंक में आप जाते ही हो, आपने देखा होगा बैंक वाला भैया पहले कंप्यूटर पे देखता है आपका अकाउंट नंबर है कि नहीं है, फिर आप कितने पैसे जमा करा रहे हो, कितने निकाल रहे हो, सब कुछ कंप्यूटर में करके, और पर्ची निकलती है, सब कुछ होता है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, एवरी एक्टिविटी ऑफ बैंक इज नाउ ऑनलाइन, द कस्टमर डाटा एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। अब तो खैर फोन पे ही पेटीएम आ गया है, यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं, और जब हमें कोई कैश चाहिए होता है तो हम एटीएम से निकाल लेते हैं। बैंक जाना तो मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले 2-2.5 साल में बैंक गया हूँ। हाँ एक बार मेरा एटीएम कार्ड जो ब्लॉक हो गया था, ब्लॉक क्या मतलब एक्सपायर हो गया था, उसकी टाइमिंग होती है, तो वो नया बनवाना था, तो वहाँ पर जाके एक एप्लीकेशन दे गया। वो बाद में अब पीएनबी वन की एक बन गई है, एक ऐप बन गई है, तो उसमें से उसको भी अब हम कर सकते हैं ऑनलाइन। तो बैंक में जाना आजकल वही लोग जा रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि भाई ऑनलाइन हमारा कैसे कैसे काम हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो सब बैंक जाते हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो जो अपनी पासबुक में एंट्री करवाने के लिए वहाँ पे बैंक में जाते हैं, अदरवाइज और कोई काम ज़्यादा रह नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं बैंकिंग से रिलेटेड। आईटी इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी कीप ऑल रिकॉर्ड्स टू अपडेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डाटाबेस। तो डाटाबेस होता है कंप्यूटर पे सारा, वो अपने पास रखते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी इसका यूज इस्तेमाल, तो इंश्योरेंस कंपनी इसका इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट है आईटी इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, क्या क्या होता है। इन मार्केटिंग कंप्यूटर आर यूज फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। बाय यूजिंग आर्ट्स एंड ग्राफिक फैसिलिटी इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कोई चाट भंडार है, उसके सामने इतना बढ़िया पोस्टर लगा हुआ है, उसमें अच्छे अच्छे स्नैक्स की फोटो है और बना कुछ बोल रहा है, तो वो सारी फोटोज भी मार्केटिंग करने के लिए हम कंप्यूटर से निकालते हैं। नेक्स्ट आता है आई टी हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में आपने बताया मैंने, जैसे हॉस्पिटल में पढ़ चुके हम सारी चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह में ये MRI वगैरह, MRI मशीन, डिटेल्ड इमेजिंग, ये सारी चीज़ें हम इससे कर लेते हैं, कंप्यूटर से ही कर पाते हैं, सारे आईटी का इसमें इस्तेमाल होता है। तो ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। यूज ऑफ ICT डायग्नोज, तो डायग्नोज के अंदर ये दो
MRI बताया है और CAT कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी मशीन यूजिंग द मशीन थ्री डायमेंशनल 3D इमेज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कैन बी मेड दिस इमेज आर हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग ऑफ डिसीजेस डिसीजेस को डायग्नोज करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन तो ये क्या करती है MRI मशीन आर यूज टू गिव द डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स तो रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग ऑर्गन्स की ये अच्छी इमेज बना देती है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिसीजेज का तो ये एक ECG मशीन दिखाई है यहाँ पे और ये इसका ग्राफ बनता है सारा कंप्यूटराइज है तो ECG मशीन के बारे में कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन EEG मशीन ब्लड शुगर टेस्टिंग ब्लड प्रेशर मेजरिंग आजकल सारे आपको पता है सब कुछ मशीन से होता है अब IT इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज यहाँ पर IT जो है गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज में जहाँ जहाँ यूज होता है उसके बारे में हम बात करते हैं द गवर्नमेंट यूज लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इट्स डेली लाइफ ऑपरेशन एंड एक्टिवली एनकरेजिंग ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस डिजिटल इंडिया कैन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो IT का इस्तेमाल करके ग्रो हुई हैं गवर्नमेंट में और बिना IT एप्लीकेशंस के आप गवर्नमेंट को भी इमेजिन नहीं कर सकते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेल टैक्स डिपार्टमेंट प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड्स ये सारे काम जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं सब कंप्यूटर से होते हैं बिना कंप्यूटर के एक मेल भी नहीं होती इधर से उधर ठीक है तो यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो गया है थैंक यू सो मच ओके फ्रेंड्स तो ये था हमारा IT का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा है IT की एप्लीकेशंस के बारे में तो आई होप आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी तीन पार्ट में ये हमारी क्लास डिवाइड हुई है तो जो भी बच्चे IT जिन्होंने IT सब्जेक्ट लिया 9th में वो इन क्लासेस से पढ़कर काफ़ी कुछ समझ सकते हैं तो मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने करियर की तरफ फोकस रखिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह नॉलेज इस वीडियो से ले सकें तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय